जी हाँ दोस्तों, नमस्कार आदाब सत श्री अकाल, मैं हूं जॉनी हंस और लेके हाजिर हूं आज की ये खास वीडियो। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्या 70,000 इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को कनाडा डिपोर्ट करने जा रहा है, क्या कनाडा में एक्चुअली रेसिज्म है और क्या कनाडा ने कुछ ऐसा यू नो प्रॉमिस किया है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को जो नहीं पूरा हो रहा है, और अगर यू नो कनाडा में इस वक्त ये हालत है तो क्या जो प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं और स्पेशली उनकी जो वीडियोस वायरल हो रही हैं वो कहां तक सच है और क्या है सॉल्यूशन। अगर आप ये जानना चाहते हैं तो हमारे साथ अंत तक बने रहिए इस वीडियो में। जी हाँ दोस्तों, आप सबका स्वागत है आज की इस खास वीडियो में, और ये वीडियो बनाना मेरे लिए बहुत अर्जेंट और इम्पॉर्टेंट था क्योंकि बहुत सारी जगह पे ये चीज यू नो आ रही है कि 70,000 इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को डिपोर्ट किया जा रहा है। तो दोस्तों, कहां तक ये सारी जो शब्दावली वो सच है कहां तक नहीं, आप खुद चीजों को ध्यान से समझ लीजिए, फिर आप कॉमेंट करके बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि क्या एक्चुअली कनाडा ये सही कर रहा है गलत कर रहा है, और अगर गलत कर रहा है तो हम सबको आवाज उठानी चाहिए या नहीं, तो क्या है आपका व्यू आप कमेंट में छोड़ दीजिएगा। चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि यू नो डेपोटेशन का मतलब क्या है। इमिग्रेशन पर्सपेक्टिव मैं इसलिए शेयर कर रहा हूं क्योंकि आई एम CICC सर्टिफाइड ट्रेन्ड एंड लाइसेंस्ड इमिग्रेशन कंसल्टेंट, और जितने भी दोस्त इमिग्रेशन कंसल्टिंग स्टडी करते हैं, लॉयर्स हैं, कंसल्टेंट्स हैं, उसके साथ साथ पैरालीगल हैं, वो बता पाएंगे कि डेपोटेशन का मतलब ये होता है कि आपने अपने रूल्स की उल्लंघना की है, आपने कुछ ऐसी चीजें की हैं जिसकी वजह से यू नो कनाडा इमिग्रेशन को लगता है कि यू आर नॉट फिट पर्सन टू स्टे इनसाइड कनाडा एंड दे आर आस्किंग यू टू लीव। कॉन्ट्रेरी टू दैट, ये उसी केसेस में होता है या तो आप ऑलरेडी ओवरस्टे कर रहे हो, ऑलरेडी आपने कुछ ऐसा काम किया हुआ है विच इज यू नो एब्सोल्युटली अगेंस्ट इमिग्रेशन रेफ्यूजी और प्रोटेक्शन रेगुलेशंस के। बट ज्यादातर अगर आपकी यू नो स्टडी आपने की है, आपने कनाडा में काम किया है पर आप परमानेंट रेजिडेंट नहीं हुए, तो अगर आपका स्टेटस जब खत्म होता है तो आप वॉलंटरी कनाडा छोड़ के जा सकते हैं, उसके बाद आप जितनी मर्जी बार आ सकते हैं, उसको डेपोटेशन दोस्तों नहीं बोलते। दूसरी चीज, अगर किसी का स्टेटस एक्सपायर होने वाला है या हो भी गया है तो कनाडा इमिग्रेशन की तरफ से एक लेटर आता है जिस विच इज एक्चुअली जो उसकी स्टेटमेंट होती है दैट यू आर आस्क्ड टू लीव कनाडा एज अर्ली एज पॉसिबल, इसका मतलब ही डेपोटेशन नहीं है। दैट मींस यू आर आस्क्ड टू वॉलंटरी लीव एज अर्ली एज पॉसिबल। बट जो डिपोर्टेशन वर्ड है वो उसमें फिक्स्ड टाइम फ्रेम आता है कि आपने ये चीजें की हैं, हम आपकी इस सारी पॉसिबिलिटी से यू नो सहमत नहीं है, एंड उस हिसाब से आपको टाइम दिया जाता है। यहां तक कि बहुत सारे केसेस में फ्लाइट अरेंज करवाई जाती है और CBS से इसको कनाडा बॉर्डर सर्विस एजेंसी रेगुलेट करता है, दैट्स कॉल्ड डेपोटेशन। तो जो लोग वर्ड डेपोटेशन बार बार यूज कर रहे हैं उस चीज का मैं आपको बता देता हूं कि ये डिफरेंस है। अब जो दोस्त इस वक्त प्रोटेस्ट करें उनकी सिचुएशन अंडरस्टैंडेबल है, हर किसी के अपने अपने रीजन हैं, वो सही हैं या गलत हैं ये तय करना मेरी जिम्मेदारी नहीं, ना ही आई एम इन अ पोजिशन कि भी मैं कौन होता हूं कि ये किसी को कहने वाला कि कौन सही है कौन गलत है। बट जो दोस्त अभी स्टडी कर रहे हैं या वर्क कर रहे हैं उनके लिए ये चीजें समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि यार आप जब भी हम सब टेम्पररी स्टेटस पे होते हैं, चाहे वो वर्कर स्टेटस है चाहे वो यू नो स्टडी का स्टेटस है, इट्स कॉल्ड टेम्पररी स्टेटस, विच मींस कि आप यू नो यहां पे परमानेंट नहीं हो, आप अपनी स्टडी करोगे और अपनी होम कंट्री वापस जाओ। जब हम स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिखते हैं किसी भी स्टूडेंट वीजा का तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है ऑफिसर को ये कन्विंस करना कि स्टडी करके आप अपनी होम कंट्री वापस चले जाओगे। दूसरी चीज वर्कर के केस में भी सेम है बिकॉज बोथ आर टेम्पररी स्टेटस। पर हाँ, जब वक्त रहते अगर आपका प्लान है कि आपने कनाडा में परमानेंटली सेटल होना है तो आपको अपने PR के पाथवेज को फॉलो करना पड़ता है और टाइम टू टाइम आपको अपने आप को पूरी तरह अपडेट रहना पड़ता है। और जहां तक मैं इस चीज की सवाल है कि यार मॉन्ट्रियल में पहले बहुत जल्दी PR होती थी, अब वहां पे नहीं होती, तो स्टूडेंट्स को पता है कि यार हमने स्टडी खत्म करना है या हमें कोई और प्रोविंस देखनी पड़ेगी या हमें B2 लेवल फ्रेंच करनी पड़ेगी, या फिर कुछ ऐसे एरियाज भी हैं कनाडा के जहां पे ऐसे प्रोग्राम्स चलते हैं कि लोगों की 3-3, 6-6 महीने में
प्रोविंशियल नॉमिनेशन हो जाती है या फिर उनकी रूरल रिन्यूअल प्रोग्राम हो गया, आरएनआईपी हो गया, आरसीआईपी आने वाला है, तो उनमें काफी फास्टर प्रोसेस होंगे, पर वो उन्हीं इलाकों में है जहां पे बहुत ज्यादा लोगों की पॉपुलेशन नहीं है। अब मैं बात करता हूं एक टेम्पररी फॉरेन पॉलिसी जो कैनेडा इमिग्रेशन ने ऑलरेडी शेयर कर दी है, विच मीन्स कि जिनकी जेन्युइनली अभी पीएनपीज लगी हुई हैं और प्रोविंस को लगता है कि वो लोग हैं जिनकी उनको प्रोविंस जो डिसीजन लेने में टाइम लग रहा है पर उनकी पीआर ड्यू है, यानी दे आर एलिजिबल, उनकी पीएनपी के लिए एलिजिबल है, या फिर उस हद तक उनकी एप्लीकेशन चली गई है कि सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन डिलेज की वजह से उस प्रोविंस की डिलेज की वजह से अभी नहीं उनकी उनको पीएनपी के लेटर्स मिले, तो उस केस में कैनेडा इमिग्रेशन ने ऑलरेडी कैनेडा इमिग्रेशन ने ऑलरेडी 21 घंटे पहले एक पॉलिसी इशू कर दी है कि उनको वर्क परमिट उनके एक्सटेंड कर दिए जाएंगे। इनका मतलब उनको एक ईमेल आएगी प्रोविंस की तरफ से, वो लेटर आएगा, उस लेटर के बेसिस पे उनका एक्सटेंशन हो जाएगा। अभी भी कोई ऐसे दोस्त हैं जिनको वर्क परमिट से रिलेटेड क्लैरिटी चाहिए या उनको लेटर आया उन्होंने एक्सटेंशन डालनी है, तो हमारी टीम आपकी हेल्प जरूर कर देगी। कभी भी आप हमें ईमेल कर दीजिए apply@studybuddycanada.com। अब बात करते हैं रेसिज्म की, क्या कनाडा में एक्चुअली रेसिज्म है, क्योंकि यार अब किसी भी चीज को मनवाने का अपना अपना तरीका होता है। कनाडा में कुछ लोग ये क्लेम कर रहे हैं कि भी हमारे साथ तो रेसिज्म हो रही है, तो कनाडा में इस वक्त 1.5 मिलियन यानी 15 लाख इंडियंस अप्रोक्सीमेटली रहते हैं डेटा के हिसाब से, तो अगर इतने लोग इंडिया में इंडियंस यहां पे हैं तो ऐसा नहीं हो सकता कि इंडियंस के साथ कोई खास या आउट एंड आउट रेसिज्म हो रही हो, क्योंकि मैंने ऐसे लोगों के साथ नहीं होते देखा अपने एक्सपीरियंस में। मेरे जितने भी दोस्त उन्होंने यहां पे पढ़ाई की है, काम कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों के अपने बिजनेसेस हैं, तो अगर इतना कुछ उन्होंने अचीव किया हुआ है, अगर उनके साथ रेसिज्म हो रही होती तो वो ना कर पाते। दूसरी चीज, कैनेडा के हर हिस्से में छोटे बड़े शहर में आपको इंडियंस मिल जाएंगे, बिलीव मी। बहुत सारी रील्स वायरल होती है जहां पे कहते हैं कि भी अपने इंडियंस का मजाक उड़ाते हैं कि यार इतने ज्यादा इंडियंस हैं यहाँ पे, मतलब आप किसी भी इलाके में चले जाइए, चाहे रूरल इलाके में चलिए, वहां पे भी आपको इंडियंस अपने मिल जाएंगे। तो बड़े शहरों में तो पॉपुलेशन इंडियंस की वैसे ही बहुत है। अगर आप ये देखें कि हमारी जो कैनेडा की इस वक्त जितनी भी कैबिनेट है उसमें भी बहुत ज्यादा साउथ एशियन पॉपुलेशन है, तो इंडियंस के साथ ऐसी कोई रेसिज्म तो हो नहीं रही जो मैंने देखी हो, बट हाँ किसी को किसी लेवल पे लगी है रेसिज्म तो वो उसकी बात जरूर कर सकते हैं। बट अगर आप ये पूछना चाहते हैं कि आपने कल को स्टडी के लिए, वर्क के लिए, पीआर के लिए आना भी इंडियंस के साथ कोई रेसिज्म होती है, तो ऐसा कुछ नहीं है, मैंने ऐसे होते हुए नहीं देखा। जो कंट्री जैसी है उसको वैसा ही बताना चाहिए। अगर इस कंट्री ने सबके साथ इतना फेयर चली है, इतना ज्यादा लोग अचीव कर चुके हैं, इतने ज्यादा इंडियंस हैं जो मिलियनेयर्स क्या बिलियनेयर्स भी हैं, तो हाउ कैन वी ब्लेम। तो ये एक बड़ा सवाल होता है कि क्या कनाडा को रेसिज्म के लिए ब्लेम करना सही है। और उसके बाद अब बात आती है बाकी चीजों की। दोस्तों मैं आप सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि जब आपका वर्क परमिट चल रहा होता है, आप किसी की भी कही सुनी के अकॉर्डिंगली डिसीजन मत लीजिए। कोशिश कीजिए कि आप canada.ca को रेगुलरली कंसिस्टेंटली वॉच कीजिए, अंडरस्टैंड कीजिए कि आपकी परमानेंट रेजिडेंसी कैसे होती है। अभी भी लोग प्राइवेट कॉलेजेस में आ रहे हैं, फिर वर्क परमिट नहीं मिलेगा, डबल खर्चा पड़ेगा। दोस्तों प्लीज इस वक्त प्राइवेट कॉलेजेस में मत आइए, गवर्नमेंट कॉलेजेस में ही आइए जहां पे आपको वर्क परमिट मिले, और प्रोग्राम वही चूज कीजिए जिसमें आपकी जॉब और पीआर हो सके, यानी जिनकी रिक्वायरमेंट है कंट्री में वही चीजें कीजिए। हेल्थ केयर, कंस्ट्रक्शन, फूड सर्विस सेक्टर है, उसमें कुछ स्पेसिफिक जॉब सेक्टर्स हैं, आईटी है, मैन्युफैक्चरिंग है, स्किल्ड कैटेगरी के ही कोर्सेज लीजिए। अगर आपने पढ़ने आना भी है कनाडा में तो आप सही प्रोग्राम चूज करके आइए ताकि टाइम पे आपकी पीआर हो और आप फिर कल को आपको प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि ऑनेस्टली जब भी आई अंडरस्टैंड जिन भी मेरे दोस्तों के साथ ये प्रॉब्लम है इस वक्त, उनको प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है क्योंकि उनकी पीआर नहीं हो पा रही, हम जितनी भी इंडियंस हैं यहाँ पे, इंडियन ओरिजिन के लोग हैं, वो उनकी प्रॉब्लम, उनका दर्द जरूर समझ सकते हैं, बट ये प्रॉब्लम दूसरों के साथ ना हो, इसलिए इट्स इंपॉर्टेंट कि आप सही टाइम पे सही प्रोग्राम लीजिए, उस प्रोविंस में, उस सिटी में प्रोग्राम लीजिए जहां पे अगर आपने पीआर लेनी है तो पॉसिबिलिटीज हो वहां पे।
तो इन चीजों का ख्याल रखिए। अगर फिर भी कोई हेल्प की जरूरत है बेझिझक, स्टूडेंट वीजा के लिए या फिर टूरिस्ट वीजा के लिए हमें ईमेल कर सकते हैं apply@checkcheckservices.com। और हाँ, अगर आप सही तरीके से वर्क परमिट और पीआर लेना चाहते हैं तो भी हम आप हमें ईमेल कर सकते हैं apply@studybuddycanada.com। आई होप इस वीडियो ने आपको क्लैरिटी दे दी होगी कि क्या फर्क है डेपोटेशन और एक्चुअली यू नो आस्क टू लीव कैनेडा। और ये भी बात सच है कि क्या हो रहा है। बाकी यार इंटरनेट पे जो आपको कंटेंट दिखता है आप अपने दिमाग से डिसीजन लीजिए, फिर सोचिए कि आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। आई होप दैट वुड हेल्प यू। इसी के साथ मैं जॉनी हंस फिलहाल लेना इजाजत, हंसते मुस्कुराते रहो जी, रब राखा। चेक, चेक, जॉनी हंस।